नहीं तो तीसरे का नाम पुकारूंगा मैं। आप बोलना शुरू करिए। आप देखिए माननीय सदस्य, आप सम्मानीय, आप बैठिए। मेरी बात आपकी विचारधारा को आगे सरकार के ध्यान में आ गई। आप बैठिए, मुझे बोलने दो। आप अगले आधे घंटे की चर्चा में ये विषय ले आए। आप बैठिए, अरे दो चार मिनट हो गए। अब बैठिए, अब अगला भी ये विषय बोलेगा। मैंने नाम पुकार लिया है हरिमोहन जी, माननीय सदस्य, आप सम्मानीय हो, पुराने हो, आप बैठिए। आधे घंटे की चर्चा हो जाएगी। आप बैठिए, आप बोलना शुरू करिए। आप चर्चा, आप प्रस्ताव लेके आ जाओ, चर्चा करवा देंगे। आप प्रस्ताव लाइए। हरे मोहन जी, बोरा जी, धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सिर्फ संरक्षण उधर नहीं दीजिए, इधर भी दीजिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये राजीव गांधी युवा मित्र 5000, जो आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो 10 साल में आपने अभी तक 20 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं। आपने इन बेचारे 5000 रोजगारों को जो दिया था, आप बीच में मत बोलिए, आप मंत्री हो सकते हैं, बीच में बोलने का अधिकार नहीं है आपको। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहे। मुद्दा प्रदेश का है। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? माननीय सदस्य, ये क्या बोल रहा है? बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए। माननीय स्पीकर साहब, माननीय ये बन जाए, माननीय सदस्य, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान प्रदेश के बारे में आपने पूछा है, आप प्रदेश तक सीमित रखे अपना विषय। सर, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो 20 करोड़ आपने वादा करा था, ये आपके संकल्प पत्र में था, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। या तो मुख्यमंत्री जी मना कर दे कि डबल इंजन की सरकार नहीं है और वो फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी को, कह दे। अरे मेरे को पता है पर्ची क्या लगाई है। आपके खुद के एमएलए लिख रहे हैं, जवाहर सिंह बेडम का लेटर है, आपके करौली वाले दर्शन सिंह गुजर का लेटर है कि इन लड़कों को मत निकालिए। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। और उन लड़कों की हालत आपने क्या कर रखी, उनको परमिशन नहीं दे रखी। रात को हमारी बहन बेटियां वहां सड़क पे सो रही हैं, उनको कंबल तक प्रोवाइड नहीं हो रहा, उनको आप पानी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे। ऐसा दमनकारी, ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने देखी नहीं। और आपने हटाया क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ था राजीव गांधी मित्र, इसलिए आपको हटाया। मिर्ची इसलिए लगी आपको, और किसी की मिर्ची नहीं है। मिर्ची इसकी है कि उसमें क्यों लिखा है कि राजीव, अरे नाम बदल देते, उन लड़कों को क्यों निकाल रहे हो? और उन लड़कों ने सिर्फ हमारी फ्लैगशिप योजनाओं पर प्रसार प्रसार नहीं करा है, आपकी फ्लैगशिप योजनाओं पर भी प्रसार करा है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, उनने बीजेपी के लिए भी उतना ही काम करा है जितना कांग्रेस के लिए काम करा है। और ये लड़के कोई ऐसे नहीं लगाए गए थे, बकायदा इनका इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बाद इनकी ट्रेनिंग हुई है। हर संभागीय स्तर पे 3-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही, ये तो पता नहीं ना आपके मंत्री को, बोलना आता है आपको, सिर्फ समझ में आता नहीं है। और भारत संकल्प यात्रा में इनने काम किया, उसका कैंपों में काम किया। आप क्या ऐसे ही लोगों को निकालना चाहते हैं? इसी तरह से आप असंवेदनशील कार्य करेंगे? जिस तरह से आपने ये करा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार अपना डिसीजन वापस ले और इन लड़कों को वापस लगाए। धन्यवाद। श्री राजकुमार रोत महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार बनी, राजस्थान का युवा सोचता है कि हमारे हित में अच्छा काम हो, भर्तियां निकले, लेकिन जिस तरीके से 25/12/2023 को जो लेटर आया और उस पत्र के तहत 5000 युवाओं, उनके परिवारों और ये युवा, इनका काम ये था कि केंद्र और राज्य की जो योजना है, इस योजना को उस गरीब तक पहुंचाना, जिस जो गरीब शहर से दूर है, जिस गरीब परिवार में एजुकेशन नहीं है, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं को उस तक पहुंचाना, उनका उस तक लाभ पहुंचाना, ये उनका काम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पिछली सरकार ने लगाया,
अब इस सरकार ने अब क्या सोच के ये निर्णय लिया, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपके सामने इस राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटके इन युवाओं की जो भावना है, इन युवाओं का जो दर्द है, और इनको हटाने की वजह से उन गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ने वाला है, जिन गरीब घर में जाके ये युवा बता रहा था कि ये आपकी योजना है, आप इसके पात्र हो और आप इसके तहत आवेदन करो, उन परिवारों पर क्या असर पड़ने वाला है, उसको लेके बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हटाया, हटाने के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सही तर्क नहीं लग रहा है। पूर्व सरकार ने लगाया था, कुछ नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन युवाओं पे क्या गुजरी होगी उस समय, वो राज्य सरकार की योजना नहीं केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार उस गरीब घर तक पहुंचा रहे थे। आज धरना चल रहा है इन युवाओं द्वारा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट की सरकार ने लास्ट में जाते वक्त पंचायत सहायक की भर्ती की, और उन पंचायत सहायक की जो भर्ती थी वो सरपंच और प्रिंसिपल मिलकर तय करते थे कि कौन बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेरिट नहीं बनी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार ने उनको नियमित रखा, और उसी सरकार ने पंचायत सहायक को एक सम्मानजनक पद दिया और सम्मानजनक सैलरी दी। हम इस सरकार से भी ये आशा चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो लगाया था वो किसी के कार्यकर्ता नहीं थे, इनका इंटरव्यू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा, मैं उस धरना स्थल पे गया और एक व्यक्ति ने, बच्चे ने बोला कि मैं आरएसएस द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूं, अगर कांग्रेस ने भेदभाव पूर्ण तरीके से और कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करके अगर लगाया होता तो मैं कैसे लगा, ये उस आदमी ने सवाल किया। ये अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, आवाज उठाना सबका अधिकार है, यह अधिकार हमको संविधान देता है। लेकिन उन बच्चा आज धरना दे रहे हैं, उनके आसपास टॉयलेट है, वो टॉयलेट पे ताला लगा दिया जा रहा है, वहां रात को लाइटें बंद की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके महिला वहां बैठी हुई है। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जिस परिवार ने यह सोचा था मेरा बच्चा कुछ नौकरी लग गया और उसको तत्काल हटा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है, 20 से 25 भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है। हम चाहेंगे माननीय सदस्य सहायक इन जो बैठ के बात करिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना को समझते हुए जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और आप इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश करें कि इन राजीव गांधी युवा मित्र को एज इट इज वापस लगाया जाए, और जो धरना दिया जा रहा है अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, उनको परमिशन दे और इन युवाओं को राहत पहुंचाए, उस गरीब घर तक राहत पहुंचाए, छोटे छोटे बच्चे लेके सरकार मेडिकल की वहां सुविधा करवाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बहाल किया जाए। बैठिए अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जिसमें 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगातार धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी स्थिति बिगड़ रही है, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी के सप्लाई उनकी रोकी जा रही है, उनको बिस्तर नहीं दिए जा रहे हैं, पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है। आप सरकार से जवाब तो दिलवाइए कि उनको वापस लेंगे। बैठिए, उनको वापस आप काम पे लीजिए, ये बहुत सीरियस मामला है। बैठिए, आपको आप जवाब दिलवा दीजिए सरकार से। अध्यक्ष जी, श्री गोविंद प्रसाद 295, जवाब तो दिलवाओ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी जवाब दिलवाओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है अध्यक्ष जी, आप इसकी बात को समझिए। वो 5,000 युवा मित्र नहीं है, 5,000 परिवार है, उनका परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप इसमें जवाब दिलवाइए, आप जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी। प्रक्रिया नियम के आप जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी, राजीव गांधी युवा मित्रों को वापिस लीजिए। उल्लेख प्रस्ताव, 5,000 परिवार आज किन परिस्थितियों के अंदर बैठे हैं, आपके नेता आपको आपको सरकार से जवाब दिलवाना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा। आपका आप कंटिन्यू रखिए, आप जवाब दिलवाइए उनका। अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवाइए, क्षेत्र मनोर थाना में अधिक बारिश के कारण अत्यधिक पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।